नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह, मध्य प्रदेश का स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। मेरे पास अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि सरकारी कार्यालय में आरटी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से जो डाक भेजी थी आरटी एप्लीकेशन की वो वापस लौटा दी गई। ऐसी स्थिति में क्या करें? सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 और 6 के तहत इस देश के हर नागरिक को अधिकार मिला हुआ है कि वो आरटीआई एप्लीकेशन सरकारी कार्यालय में दायर कर सके, और अगर कोई भी अधिकारी ऐसा करने से उसे रोकता है तो ये इलीगल है, अवैध है। ऐसी स्थिति में आप सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत निःशुल्क शिकायत सूचना आयोग को भेज सकते हैं, और उस शिकायत में आप वो सारे प्रूफ अटैच करके लगाएं जिससे ये प्रूफ होता हो कि आपकी डाक को लौटाया गया है, एप्लीकेशन को लेने से इनकार किया गया है। मैं नमूने के तौर पर आपको एक कंप्लेंट जो मेरे पास रिसीव हुई है वो मैं आपको डाक दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास लिफाफा वापस लौटाया जो गया था लोक सूचना अधिकारी द्वारा, वो लिफाफा यहाँ मुझे भेजा गया है, और इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर एक टीप दर्ज है, लेने से इनकार, प्रेषक को वापस। ये डाकिए ने टीप दर्ज की है, यहाँ ये एड्रेस किया हुआ था लोक सूचना अधिकारी को और उसको काट दिया गया है और वापस प्रेषक को भेज दिया है। यहाँ ट्रैक आईडी नंबर है, रजिस्टर्ड पोस्ट का सील लगा हुआ है और ट्रैक आईडी नंबर है, और ये लिफाफा पूरा सील बंद है, बिना खोले से भेजा गया है। यहाँ टाइटल लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये आरटीआई एप्लीकेशन है, तो इससे ये स्पष्ट है कि जिसने इस डाक को लौटाया है सरकारी कार्यालय में उसे मालूम था कि ये आरटीआई एप्लीकेशन है और इसे लौटाया गया है। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो जाती है एविडेंस के तौर पे कि ये डाक को वापस लौटाया गया है। और इसमें आप एक ख़ास बात ध्यान रखें, जब भी आप कंप्लेंट फाइल करें तो रजिस्टर्ड पोस्ट का जो ट्रैक आईडी नंबर होता है उसको डाउनलोड कर ले वेबसाइट से, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, तो तत्काल डाक भेजने के बाद आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखें और कंप्लेंट के साथ इसको अटैच करके सूचना आयोग में फाइल करें। और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 में अगर आरटीआई एप्लीकेशन लेने से कोई अधिकारी मना करता है, लोक सूचना अधिकारी मना करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत ऐसे दोषी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई या फिर उसके विरुद्ध ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मेरे ऐसे कई ऑर्डर हैं जिसमें मैंने दोषी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध ₹25,000 का जुर्माना लगाया है डाक लौटाने के लिए, और इस ऑर्डर की कॉपी आप मेरे ट्विटर अकाउंट या फिर फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।